जय हिंद प्यारे साथियों, आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 99 संविधान संशोधन से जो है स्टार्ट करते हैं। बाकी जो संविधान संशोधन थे, एक से जो हमने काफ़ी संविधान संशोधन जो करा दिए, जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी जरूर उस क्लास को देख लें। चलिए 99 संविधान संशोधन से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, देखते हैं 99वां संविधान संशोधन कब ये लागू हुआ था। 99 जो संविधान संशोधन है ये कब लागू हुआ था? 99 जो संविधान संशोधन है ये 2015 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 99 संविधान संशोधन जो है ये 2015 को हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें था, देखिए नोट करके समझ दीजिए, इसमें था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार दिया गया। यानी 99वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2015 को हुआ था 99वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है संविधान संशोधन को जो है असंवैधानिक करार दिया गया। कैसा किया गया था? असंवैधानिक करार दिया गया। इसमें क्या था? इसमें कॉलेजियम जो पद्धति है उसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन किया गया। आगे देखते हैं 100वां संविधान संशोधन ये कब स्टार्ट हुआ था। 100वां संविधान संशोधन 2015 को लागू हुआ था, ठीक है। 100वां जो संविधान संशोधन है वो 2015 को लागू हुआ था। इसमें क्या था? भारत और बांग्लादेश के बीच इसमें था। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है जो दो हस्ताक्षर हुए थे भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि पर हस्ताक्षर हुए थे इसमें 3 मेगा कॉरिडोर था, ठीक है। बीच भारत व बांग्लादेश के बीच भूमि पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। आगे देखिए 101वां संविधान संशोधन क्या है। 101वां संविधान महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, तो इसीलिए जो है 101वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। जीएसटी को बोलते हैं हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है आपका प्रत्यक्ष कर है। कैसा? अप्रत्यक्ष कर है। इसकी अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए सभी लोग। वर्तमान में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है, ठीक है। आगे समझते हैं, जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। समिति कौन सी थी? समिति थी जो विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी लागू हुआ था। समिति थी विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी लागू हुआ था। पहला राज्य लागू करने वाला कौन सा था? असम। असम की अगर राजधानी की बात की जाए तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा, तो मैं जो है अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है।
चलिए एक बार सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए हों वो चैनल को शेयर कर दें। जय हिंद।